नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्रेंड, हम सब जानते हैं अगले 3 घंटे 25 मिनट में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला, जो कि पहला T20 होगा, जो कि हैदराबाद क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। ये एक धमाकेदार मुकाबला होगा और दोनों ही टीम बहुत अच्छी है। दोनों ही टीम की बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ चुकी है कि कौन सा प्लेयर खेले और कौन सा प्लेयर रूट आउट है, कौन सा प्लेयर को चोट लगी है, यहाँ तक की तो मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ 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 उसे दबाइए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, शायद आपको बहुत काम आएगी ये न्यूज़ एक ड्रीम इलेवन की टीम बनाते वक्त और चूज़ करने में प्लेयर की स्क्वाड। तो चलो अब बताते हैं कि क्या न्यूज़ है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा इन दोनों टीमों से बेस्ट प्लेयर्स का, बेस्ट क्योंकि इतने टाइट कंपटीशन है इंडिया के मैच में, बस आप पूछ नहीं सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कौन सा प्लेयर आपको सेलेक्ट करना है इसमें। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है हमें विकेट कीपर। देखिए विकेट कीपर में कितना फुद्दा बना हुआ है, सही बता रहा हूँ, इतना फुद्दा बनाया है कि बस पूछो मत। निकोलस पूरन, आपको मैं बता दूँ इनको कतई ना लीजिए, अगर आज आपने ले लिया तो आपको मिलेगा अंडा इस प्लेयर में, क्योंकि निकोलस पूरन को बॉल टैंपरिंग के चक्कर में 4 मैच को मिस आउट करने की सज़ा दी गई। तो ये आज पहला मैच बिल्कुल नहीं खेलेंगे, सबसे बढ़िया हिटर है वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन सबसे इजीली ये बाहर हो चुके हैं, इनको आज के मैच में मौका नहीं है। तो प्लीज़ 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 62% लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, इसको कभी मत करिएगा। ऋषभ पंत आप ले सकते हैं, ऋषभ पंत थोड़े लेट आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, इतने अच्छे ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। एक ग्रैंड लीग का प्लेयर यहाँ से ही निकलता है दिनेश रामी, 99% चांस है कि रामी इनको मौका मिलना ही मिलना है। रामदीन को लेने का फ़ायदा है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ साथ है जीएल के टॉप के काउंटडाउन। अगर रामदीन ने आज बल्ला चला दिया और 18% से लोगों ने सेलेक्ट कराया तो इस प्लेयर को कभी मिस नहीं करिएगा। बाकी बैट्समैन बता दो, बैट्समैन है रोहित शर्मा। सबसे पहले हम सब जानते हैं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड क्या है और क्या फॉर्म में है। डीके भी एक अच्छी चॉइस है, ये दोनों को तो आपको लेनी ही पड़ेंगे क्योंकि 80 और 83% सिलेक्शन है। वही ओपनिंग में लोकेश राहुल आएंगे, मैं बता दूँ संजू सैमसन में अपना टाइम मत ख़राब करिएगा। एल राहुल बहुत कमाल के प्लेयर हैं, T20 के तो एटलीस्ट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो इनके साथ जा सकते हैं। वही अय्यर, क्योंकि काफ़ी अच्छे और शांत प्लेयर हैं, अय्यर एक अपनी टीम को अच्छी बैटिंग देते हैं, तो ये प्लेयर मैंने सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लिएंडर सिमंस, जो कि शॉर्टर फॉर्मेट के गुरु हैं, ओपनिंग करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। कहीं वो किस के सब इन्होंने तोड़ा भी है, तो ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, यू कैन गो विद दैट। ऑलराउंडर है कायम बोलार्ड, कायम बोलार्ड में दम शब है शॉट्स लेने का, हम जानते हैं कि इंडियन पिचेस को सबसे अच्छा समझते हैं वेस्ट इंडीज़ कायम बोलार्ड। वहीं शिवम दुबे में है, आप यहाँ पर जाएँ तो शिवम दुबे को क्योंकि कम एक्सपीरियंस है, ग्रैंड लीग है, यहाँ पे जैसन होल्डर पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसन होल्डर लगभग बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे शॉट लेते हैं और विकेट टू विकेट बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो उनके साथ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत जो बॉलर सेलेक्ट करे हैं वो काफ़ी आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। सबसे पहले युवेंद्र चहल और दूसरे हैं कुलदीप यादव, क्योंकि हैदराबाद की पिच बहुत स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, तो आपको इन ये दोनों प्लेयर को तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। और इंडियन पिचेस और T20 मैचों में इन दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी टीम इनके बिना नहीं जाएगी, तो ये दोनों प्लेयर काफ़ी दमदार है। वहीं कॉटरेल, कॉटरेल क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो इनके साथ ही जाना बहुत अच्छी है। अब प्लेयर कौन से हैं इसके अलावा, एक ऐसा प्लेयर बताऊँगा जिसने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कीपर चहल, भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों प्लेयर भी आपको मिलेंगे ऑप्शंस में। अब यहाँ पे आप चाहो तो कुलदीप यादव को बाहर करके यहाँ पर दूर तक चेक कर लें, यहाँ पे आप बैट्समैन में जाना चेंज करने के ऑप्शन ही है, तो आपको एक ऑलराउंडर भी मिस करना पड़ सकता है, चाहे आप पोलार्ड को मिस करके यहाँ पे आप भुवनेश्वर कुमार के साथ जाएँ, तो ये ऑप्शन है आपके पास। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए डीके, सीमंस, रोहित शर्मा, ये सारे कमाल के होंगे। ग्रैंड लीग में रामदीन, होल्डर, ये सारे प्लेयर आपके लिए अच्छे रहते हैं। अगर इंडिया की बाई लग पहले बॉलिंग आ जाती है तो आप चहर और कुलदीप यादव को लीजिएगा, क्योंकि ये स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, चहर और कुलदीप यादव पक्का एक विकेट निकाल लेते हैं, ये तीन तीन विकेट कई बार आपने देखा भी होगा अगर आप इंडिया को फॉलो करते हैं, तो आप इन सबको ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।